हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। मैं नायरा आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आइए चलते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आप सभी लोग काफ़ी परेशान होंगे एग्ज़ाम की डेट को लेकर। तो मैं आज डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे और परीक्षा फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे ये आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। चलते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, ये जानकारी पीएनपी सचिव के द्वारा बताई गई है कि डीएलएड प्रशिक्षकों को, यानी कि ये जो जानकारी पीएनपी के द्वारा निकल कर आई है, तो ये जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि डेट कब आएगी एग्ज़ाम की, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग डेट, यानी कि डेट कंफर्म हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहती हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हैं वो 15 जून तक समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पीएनपी की तरफ से क्या जानकारी दी गई है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 4 से 5 दिनों में फिल होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे तो 1 वीक से, यानी 1 वीक तो इसमें चला जाएगा, तो मान के चलिए 10 जून तक ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और इस प्रक्रिया के बाद 1 वीक से 10 डेज के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। पीएनपी की तरफ से न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि इस सारी प्रक्रिया के बाद एग्ज़ाम जून के 3rd वीक में होंगे। इसलिए आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप लोग तैयारी में लग जाएं और हमारे चैनल पर डीएलएड 3rd सेमेस्टर की सीरियल वाइज तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और तैयारी को अच्छे से अच्छे करते रहें। जय हिंद, जय भारत।